हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायन एकेडमी। जैसा कि हम लोग मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम शैशवावस्था देखा, इसके बाद हम लोगों ने बाल्यावस्था देखा, आज देखेंगे हम लोग लास्ट माना जो है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, किशोरावस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके उपनाम, इसकी विशेषताएं, किशोरावस्था मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेदनात्मक विकास, सब उस एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किशोरावस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, मतलब किसने की। तो किस सबसे पहली बार किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने किया था। तो चलिए देखते हैं किशोरावस्था की शुरुआत कैसे हुई, तो एक एक करके उसको देखते हैं। तो किशोरावस्था किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलेसेंस किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलेसियर एडोलेसियर शब्द से बना है, एडोलेसियर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो किशोरावस्था की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने किया था। तो किशोरावस्था क्या होता है, अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस जो होता है वो लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो उसमें देखते हैं स्टैनले हॉल सर्वप्रथम किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन स्टैनले हॉल ने किया। तो सर्वप्रथम किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन स्टैनले हॉल के ये निवासी थे, अमेरिका के। और जिस पुस्तक में अध्ययन किशोरावस्था किया उस पुस्तक का नाम था एडोलेसेंस। पुस्तक का नाम जो था वो एडोलेसेंस। तो चलिए हम इसको शुरू से देख लेते हैं, किशोरावस्था किशोरावस्था क्या होता है, अंग्रेजी के एडोलेसेंस शब्द से बना है, एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। इसके बाद सर्वप्रथम किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन किए थे स्टैनले हॉल ने।
और वो कहां पर आने वाला है, परिभाषा कि मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या मतलब क्या क्या शब्द परिभाषाएं उसको एक एक करके देखते हैं। तो रेडी डालते हैं हम लोग परिभाषा। तो हमारे जिसमें पहली परिभाषा रहेगी स्टेनले हॉल की, इन्होंने कहा है किशोरावस्था अत्यधिक दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। स्टेनले हॉल इन्होंने कहा है किशोरावस्था अत्यधिक दबाव तनाव एवं तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था अत्यधिक दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। संघर्ष की अवस्था है। तो इन्होंने कहा स्टेनले हॉल, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था अत्यधिक दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इनके एक और परिभाषा है किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अचानक उत्पन्न होते हैं। किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह अचानक होते हैं। होते हैं वह अचानक होते हैं। तो स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह क्या होते हैं, अचानक या अकस्मात उत्पन्न होते हैं। तो हम सर्वप्रथम ने कहा स्टेनले हॉल, इनकी पहली परिभाषा थी किशोरावस्था अत्यधिक दबाव तनाव एवं तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। इसके बाद दूसरी परिभाषा इनकी है किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात या अचानक उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी परिभाषा रहेगी क्रो एंड क्रो की, इन्होंने कहा है कि किशोर वर्तमान की आशा एवं भावी जीवन की आशा है। किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भावी जीवन की आशा है। क्रो एंड क्रो इन्होंने कहा है कि किशोर वर्तमान की शक्ति एवं
भावी जीवन की, भावी जीवन की आशा है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि किशोर जो होता है वो क्या होता है, वर्तमान की शक्ति एवं भावी जीवन की आशा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट परिभाषा रहेगी कि वायलेंट टाइम के अनुसार। इन्होंने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वायलेंट टाइम के अनुसार इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जो है वह अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट परिभाषा है कि पैट्रिक की। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल है। तो किल पैट्रिक इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो चलिए हम लोग एक करके परिभाषा को समझ लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा थी हमारी स्टेनले हॉल की। इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था अत्यधिक दबाव तनाव तूफान एवं संघर्ष की अवस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक मतलब अत्यधिक दबाव उत्पन्न करता है, तनाव से प्रसन्नता या तूफान मतलब जो होते हैं उसमें वो संघर्ष की अवस्था जो होती है क्या वो अकस्मात होती है। और दूसरी परिभाषा इन्होंने किशोरावस्था में जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो बालक क्या होते हैं अचानक से या अकस्मात उत्पन्न होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा हमारी है क्रो एंड क्रो की। इन्होंने कहा किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भावी जीवन की आशा होती है। किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन जो आने वाला जीवन होता है उसकी क्या होते हैं आशा होते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट परिभाषा वैलेंटाइन की। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। तो इसमें क्या होता है किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय इसलिए कहा गया है कि बालक क्या करते हैं इसमें इनके अपराध जो है अपराध करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अत्यधिक होती है। बालक क्या करते हैं कि इसमें कोई भी चीज जो होता है वो क्या होता है कि अपराध जैसे कोई भी अपराध होता है बालक उसको करते हैं। तो ये किसमें होता है किशोरावस्था में होता है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा हमारी है पैट्रिक। इन्होंने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इन्होंने किशोरावस्था में कहा है कि ये क्या है जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे किशोरावस्था के उपनाम। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं किशोरावस्था के उपनाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद किशोरावस्था के उपनाम। यहां से क्या वो पेपर में काफी बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। किशोरावस्था का उपनाम तो किशोरावस्था का उपनाम में पहला हम लोग देखते हैं कि उलझन की अवस्था। किशोरावस्था को किस किस नाम से जानते हैं उलझन की अवस्था।
दीवा स्वप्न की अवस्था, दीवा स्वप्न की अवस्था उलझन की अवस्था, दीवा स्वप्न की अवस्था स्वर्णिम काल, वसंत काल, स्वर्णिम काल, वसंत काल, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, और लास्ट हमारा है अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था तो ये थे किशोरावस्था के कुछ उपनाम। इसमें और भी है जिसको हम लोग आगे मतलब देख लेंगे उसको। जिसमें हमारा पहला किशोरावस्था उल्लेखन की अवस्था, दीवा स्वप्न की अवस्था, स्वर्णिम काल, वसंत काल, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, समस्यात्मक अवस्था, और लास्ट हमारा है अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो इसमें उलझन की अवस्था में क्या करता है कि बालक बहुत मतलब किशोरावस्था में उलझा रहता है, वह किसी भी चीज के बारे में, जैसे किसी कोई भी चीज रहता है उसमें क्या होता है, उसका जो क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, वो बहुत उलझा रहता है कि मतलब क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद दीवा स्वप्न की अवस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है कि दीवा स्वप्न बहुत अधिक वो देखता है, और स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल इसलिए कहा गया कि इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है, मतलब बालक क्या होता है इसमें स्वर्ण की भांति क्या होते हैं, तपते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हमारा है कि वसंत काल, इसको वसंत काल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या होता है कि वसंत काल में इसको मतलब मनोवैज्ञानिकों ने मतलब इसके बारे में, वसंत जो आता है उसके बारे में मतलब बताया है, मतलब कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियां बालक क्या करते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, अलग अलग उनके तरीके, उनकी सोच होती है एक दूसरे के प्रति। और इसके बाद संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं वो परिवर्तन जो होते हैं वो अकस्मात होते हैं, और समस्यात्मक अवस्था, बालक क्या करता है, बालक और बालिकाएं वो क्या करते हैं, हमेशा समस्या से ग्रसित रहते हैं, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, उनकी समस्याएं जो रहती है उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। इसके बाद हमारा अमूर्त चिंतन की अवस्था, बालक क्या करता है, मूर्त चिंतन से निकलकर इसमें अमूर्त चिंतन करने लगता है। इसके बाद हम देखेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, हमारी अगली टॉपिक रहेगी किशोरावस्था की विशेषताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है उसको देखते हैं। तो जिसमें हमारी पहली विशेषता है कि शारीरिक विकास में परिवर्तन, किशोरावस्था में बालक में जो शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अकस्मात होता है, और अनेक प्रकार से शारीरिक विकास में जो परिवर्तन होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा मानसिक विकास में परिवर्तन, मानसिक विकास में परिवर्तन जैसे होता है कल्पना, स्मृति, दीवा स्वप्न, निर्णय लेने की क्षमता आदि होती है, वो किससे होती है, मानसिक विकास परिवर्तन से। और क्या, रुचियों में अस्थायित्व, बालक क्या करता है, बालक और बालिकाओं में जो रुचि होती है वो अलग अलग होती है, और उनकी रुचियों में क्या होता है, अस्थायित्वपन आ जाता है। इसके बाद हमारा है घनिष्ठ मित्रता, किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक और बालिकाओं जो होती है उनके मित्र घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, बालिकाओं के मित्र और बालकों के मित्र होते हैं, और बालक और बालिकाएं भी मित्र एक दूसरे से मित्रता करती हैं, तो वो मित्र होते हैं। इसके बाद हम तो समाज सेवा की भावना, इसमें क्या होती है, बालकों के अंदर क्या होती है, समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है, समाज के प्रति क्या होते हैं वो ओतप्रोत हो जाते हैं, और समाज के प्रति वो उनके विचार, उनके सोचने, उनके समझने की तर्क शक्ति को दर्शाते हैं। इसके बाद है ईश्वर एवं धर्म विश्वास, बालक क्या करता है,
ईश्वर में और उसका विश्वास होता है धर्म में। बालक क्या करता है ईश्वर और धर्म में क्या करता है विश्वास करने लगता है, वह ईश्वर को मतलब अपना मानने लगता है और जो धर्म होता है उसको वो अपना मानने लगता है, उस पर वो विश्वास करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारी है वीर पूजा की भावना। वीर पूजा की भावना क्या होती है कि बालक किसी को वीर पूजा मतलब होता है आइडियल, किसी को क्या करता है वो अपना आदर्श मान लेता है। कुछ बालक जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि को आदर्श मानते हैं, बालिकाएं भी अपना मतलब आदर्श मानती हैं। तो क्या होता है वीर पूजा की भावना का मतलब होता है कि किसी को आदर्श मानकर उसकी बातों को फॉलो करना और उसके दिए गए और चले गए मार्गों पर चलना। इसके बाद होता है स्वाभिमान की भावना। बालक क्या करता है बालक के अंदर स्वाभिमान, खुद के अंदर सोचने की, खुद के बारे में सोचने की को सोचने की शक्ति उत्पन्न होती है। और इसके बाद है दिवा स्वप्न की अधिकता। बालक क्या करता है दिवा स्वप्न की अधिकता, वह बहुत मतलब दिन हो चाहे रात वो अधिकतर सोचता है। और क्या करता है दिवा स्वप्न की अधिकता के कारण वो क्या करता है उसमें दिवा स्वप्न की अधिकता अधिक होती है, तर्क चिंतन आदि करने लगता है। इसके बाद समूह को महत्व, बालक क्या करता है कि समूह को महत्व देने लगता है, वह क्या करता है एक समूह बनाकर रहने लगता है जिसमें बालक और बालिकाओं के समूह अलग अलग होते हैं। इसके बाद है व्यवसाय की चिंता। बालक क्या करता है इसमें किशोरावस्था में उसके व्यवसाय की चिंता होती है, मतलब वो कुछ भी मतलब होता है वो सोचने लगता है कि हमको आगे चलकर क्या करना है क्या नहीं करना है अपने व्यवसाय के प्रति, अपने समाज के प्रति उसको चिंता। इसके बाद होती है समायोजन का अभाव। बालक में क्या होता है समायोजन का अभाव होता है, वो खुद को समायोजित नहीं कर पाता है। इसके बाद है समूह को महत्व। समूह को महत्व में क्या करता है वही समूह को वो महत्व देने लगता है। लास्ट हमारा संवेगों में अस्थिरता। बालक के संवेग जो होते हैं उसमें क्या होते हैं अस्थिरता आती है। बालक जो होता है संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं अचानक उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये थे हमारे आज के किशोरावस्था में किशोरावस्था की विशेषताएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में सांवेगिक विकास। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।